हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एजेंसी। जैसे कि आप लोग को पता है कि रियलमी अभी काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। और जो मेनली स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं वो रियलमी के एक्स सीरीज और वी सीरीज में लॉन्च हुए हैं। रिसेंटली इंडिया में भी जो है रियलमी का एक्स सीरीज लॉन्च हो चुका है, जो कि है रियलमी एक्स सेवन एंड एक्स सेवन प्रो। और यहाँ पे वी सीरीज का स्मार्टफोन एक चाइना मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो कि रियलमी का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है दोस्तों। तो ये स्मार्टफोन 5 फरवरी को चाइना मार्केट में लॉन्च हुआ था और इस स्मार्टफोन का जो नाम है वो रियलमी V11 है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ रियलमी V11 के स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलमी V11 के डिस्प्ले के बारे में। इस स्मार्टफोन में आपको 6.52 इंच का HD प्लस IPS एलसीडी वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा और फोन के अप में आपको वाटर ड्रॉप स्टैनलॉस देखने को मिल जाएगा और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको साइड माउंट में देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि मुझे डिसअपॉइंट करता है क्योंकि यहाँ पे इस स्मार्टफोन में कम से कम आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है। जो मेन कैमरा वो आपको 13 मेगापिक्सल का और यहाँ पे आपको वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट की तरफ से रियलमी V11 में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में यूज किया गया है मीडियाटेक का चिपसेट, जो कि MediaTek का Dimensity 700 वाला चिपसेट विद ऑक्टा कोर 2.2 GHz के प्रोसेसर के साथ, और जो GPU है वो माली G57 MC2 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको Android 11 जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद लेटेस्ट Realme UI के साथ। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि है 4GB रैम एंड 6GB रैम वेरिएंट। साथ ही यहाँ पे आपको सिंगल इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि है 128GB, और यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा करके अपने इंटरनल स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर पाओगे। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में यूज़ किया गया है 5000mAh का बैटरी और साथ ही यहाँ पे आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कलर वेरिएंट की बात करें तो रियलमी V11 जो ये आपको 2 डिफरेंट कलर वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, ब्लू एंड ग्रे कलर वेरिएंट। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो 4GB रैम एंड 128GB वाला जो स्टार्टिंग वेरिएंट है इसका प्राइस आपको 12,999 पड़ेगा और 6GB रैम एंड 128GB वाला जो इंटरनल स्टोरेज है इसका प्राइस आपको 14,999 पड़ेगा। इस स्मार्टफोन में आपको लगभग में काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है, बट एक चीज़ की कमी है जो कि इसका कैमरा को लेकर है। यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अगर ट्रिपल या फिर क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिल जाता तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होता अंडर 15,000 में, बट यहाँ पे ये चीज़ की कमी है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या इस स्मार्टफोन में ड्यूल कैमरा से अबव मिलना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं रियलमी V11 के इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो फिलहाल अभी इसके रिगार्डिंग कुछ भी मुझे पता नहीं चला है, आगे चल के मुझे इसके इंडिया लॉन्च डेट के बारे में पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।